राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्य के बाद उद्घाटन कार्यक्रम में आ रहे थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस हमेशा सरदार साहब का विरोध करती रही। कांग्रेस सदैव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करती रही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हुआ है। जनजातीय समुदाय को सम्मान दिलाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 15 नवंबर को जनजातीय दिवस गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और जनजातीय कल्याण के लिए वन बंधु कार्यक्रम के माध्यम से अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर विकास जिस नई ऊंचाई को पहुंच रहा है, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर वर्तमान में मिल रहा है और भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, जब फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी तो आयुष्मान भारत की राशि 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख सालाना करने का काम भी करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन, बिना भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर एक अन्नदाता किसान को उपलब्ध हो रही है। क्या गांव हो क्या गरीब, क्या किसान हो या नौजवान, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने गुजरात के अंदर दिए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस कभी संकट के समय आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस का अब एक संकीर्ण एजेंडा है। आम आदमी पार्टी कभी आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। ये लोग देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये लोग सुरक्षा नहीं दे सकते, आस्था का सम्मान नहीं कर सकते। ये लोग केवल और केवल अपनी राजनीति को करने के लिए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं।